सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एके ब्लॉग्स। स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल पर एके ब्लॉग्स। गाइस न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपने आज का कंटेंट पढ़ लिया होगा, ये जो मेरी बाइक की फोर्थ सर्विस हुई है उसका रिव्यू है इस वीडियो में। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या उन्होंने चेंज किया है, क्या क्या वो मुझे पसंद है और किस किस चीज़ की कितने कितने पैसे हैं, सारी ही चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा। सो, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा, इस किलोमीटर मेरे इतने नहीं हुए थे कि मुझे फोर सर्विस की ज़रूरत पड़े, बट डेज हो गए थे। मुझे पता नहीं चला ये सफ़र मेरा इस बीस्ट के साथ, इस बेबी के साथ, मेरे प्यारी बुलेट के साथ कब पूरा हुआ, इतने महीने कब हो गए, डोंट नो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टिल डेट तक, काफ़ी अच्छा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है, परेशानी नहीं आ रही है। बहुत प्यारी बाइक है, डबल डिस्क वेल है, ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा रहा, सब चीज़ अच्छी थी। जैसा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस देख लीजिए मेरे चैनल की, जिसमें मैंने इसके 5 एडवांटेजेस भी बताए हैं जब ये मैंने ली थी। तो गाइस अब आते हैं सर्विस कॉस्ट जो मुझे इस बाइक पे अभी फोर्थ सर्विस में आई है, वो आई है 2400 अराउंड। तो 2400 में क्या क्या इंक्लूड है गाइस? एक तो दे चेंजेस कि ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, या आप सबको वैसे बेसिक पता ही होगा, ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होते हैं, डिस्क ब्रेक ऑयल डाला जाता है, बैटरी चेक की जाती है, आपके टायर्स वॉशिंग एंड क्लच ब्रेक जो इस सर्विस में चेंज हुई है वो हुई है, क्लच वायर चेंज हुई है गाइस, ये देखिए क्लच वायर न्यू लगी है, और कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, जो नॉर्मल सर्विसिंग में होते हैं वही हुए हैं। बट मैंने ये रूमर्स सुने हैं या वीडियोस में देखा भी है कि फोर सर्विस जो रॉयल एनफील्ड करता है वो क्लच प्लेट डालता है। सो गाइस आई थिंक कि क्लच प्लेट इसलिए नहीं डली क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी बाइक मैंने आपको बताया कि इतनी चली नहीं है, आप ये देखिए कितनी ही सी चली है बस। तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे वो पूरी जो है मेरे क्लच प्लेट पूरी चेंज करते। मुझे नहीं लगा कि वो उन्हें करनी भी चाहिए, सो उन्होंने नहीं की, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, और यही था। और गाइस देखिए अभी बाइक की कंडीशन देखिए आप, बाइक अभी मेरी बिल्कुल चमचमाती है, कल ही सर्विस हुई है इसीलिए ये वीडियो आज मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है तो प्लीज़ एंड तक देखिए। और गाइस जो इसमें मुझे मेन अभी तक प्रॉब्लम आई, जो मैंने उन्हें बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है गाइस, शायद आप लोगों को, क्योंकि गियर न्यूट्रल करने में जो है थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है गियर न्यूट्रल करने में गाइस, बाकी तो सब ऑलमोस्ट A1 है, कोई चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही है, ऑल इज़ गुड। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कल परसों में जब मैंने इसे ड्राइव की 100 अबव किलोमीटर, सो गाइस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें फील हुआ कि एक टैपिट की नॉइज़ सुनाई दे रही है गाइस, इंजन से जो है टैपिट साउंड आ रही थी, टैपिट की टैप 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 करके, देन आई रियलाइज़ कि यार कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें और काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। आई केम देयर, मैंने उन्हें बोला कि रॉयल इनफील्ड मतलब मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो रॉयल इनफील्ड सपोर्ट बहुत अच्छा है गाइस, जो मेरा एजेंट था ही सेड कि सर अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो जब भी आपको ये बाइक हमें 2-3 दिन रखनी पड़ेगी, वी विल मतलब हम इसे ड्राइव करेंगे, तब अगर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तभी आपको वापस करेंगे। देन आई सेड कि मैं इतने दिन के लिए बाइक नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता होगा आप में से। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन और दिया कि अगर आपको कभी फ्यूचर में ये दिक्कत आती है देन आप तुरंत बाइक हमारे पास लेके आइए, एट द सेम टाइम हम आपको हैंड टू हैंड कर देंगे। सो गाइज ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, काफ़ी अच्छी कस्टमर सर्विस है, और इतना बड़ा नेटवर्क है रॉयल इनफील्ड का, इतना विश्वास करते हैं। तो गाइज अगर आप रॉयल इनफील्ड को लेने की सोच रहे हैं तो ले लीजिए, डरिए मत, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, खासकर गन मेटल ग्रे में मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं कि बेकार बाइक है ये वो, नहीं गाइस बहुत अच्छी बाइक है। हाँ डिस्क पैड मेरे चेंज हुए थे, मैंने आपको बताया था, तो वो इतना कॉस्टली नहीं है, जब आप 2 लाख या 1.5 लाख की बाइक लेंगे तो आप 200-500-600 रुपये के डिस्क पैड भी लगवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसे ही
80% जो मार्केट की सेल्स है वो रॉयल इनफील्ड की है मोटरसाइकिलिंग में। तो बस कंपनी को एक बार मौका दीजिए, खुद को मौका दीजिए, राइड करके देखिए इसे, बहुत प्यारी बाइक है और काफ़ी मज़ा आता है रॉयल इनफील्ड चलाने में। सो बस इतना ही कहूँगा गाइस, अगर न्यू है तो प्लीज़ जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, मेरे न्यू वीडियोस आती रहेंगी। एक प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो मैंने अभी अभी अपनी बाइक में इंस्टॉल किया है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा गाइस आपको। सो तब तक स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हैं तो हम हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और गाइस हाँ, आगे मैं मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ तो प्लीज़ वो भी देखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज मेरी मेहनत आपका प्यार दोनों कर देंगे, मिलकर देंगे। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।